हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं अभी इस समय हूँ एर्नाकुलम टाउन रेलवे स्टेशन पर जो है कोची में, और यहाँ से मैं जा रही हूँ कन्याकुमारी। सुबह के 7 बज रहे हैं और मेरी ट्रेन है, तो ट्रेन फाइनली आ गई है और हम लोग ऑलमोस्ट लेट ही हो जाते, बट ठीक है, ऑन टाइम हम पहुँच गए, बायलक और कुछ भी बोल सकते हैं। और ट्रेन के अंदर से फिर व्यूज़ काफ़ी अच्छे अच्छे थे, काफ़ी इन्जॉय करी थी। पहला एपिसोड ऑलरेडी मैंने डाल दिया है, ये है पार्ट टू ऑफ कन्याकुमारी ब्लॉग सीरीज़। तो ये था एक टाउन कोट्टायम, जो है केरला का नंबर 1 ऐसा एक स्टेट, ओवरऑल इंडिया का ऐसा टाउन जो 100% लिटरेसी रेट में है। मेरे सामने वाली सीट पे एक अंकल बैठे थे, उन्होंने मुझे बताया और फिर मैंने इसको रिकॉर्ड किया। मैंने सोचा कि अगर ब्लॉग बनाऊंगी तो पक्का इसको शेयर करूंगी, बिकॉज ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी अच्छी चीज़ है कि इंडिया में एक ऐसा टाउन है जो एकदम 100% लिटरेसी रेट पर है। फिर ट्रेन एकदम खाली थी। और मैं बस यही वेट कर रही हूँ कब कन्याकुमारी आए, हम ऑन टाइम पहुँच जाएँ। बट ट्रेन दिखा रहा था कि लेट है, ऑलमोस्ट ऑलरेडी 2 बजे हम पहुँच रहे हैं और फिर भी इतना लेट हो जा रही है, तो और कितना लेट होंगे। बट ठीक है, आप क्या कर सकते हैं, ट्रेन में है तो बस वेट करो और सफ़र को एंजॉय करो। बाहर के व्यूज़ देख रहे हो कितने अच्छे हैं, मतलब मज़ा आ रहा है देख के। साउथ में आके ना ट्रीज़ और ग्रीनरी, माउंटेंस, वाटरफॉल्स इतने सारे हैं, मतलब कहीं भी जाना हो ना तो साउथ तो एक बार ज़रूर एक्सप्लोर करना इफ़ यू आर विलिंग टू ट्रैवल इंडिया, तो साउथ को तो अच्छे से एक्सप्लोर करो। और फाइनली मैं पहुंच गई हूँ कन्याकुमारी रेलवे स्टेशन। अब जाऊँगी होटल, चेक इन करूँगी और उसके बाद में बस रेडी होके निकल जाने घूमने के लिए। तो मैं रेडी हो रही थी और मैं ये वीडियो बना। सो गाइस, मैं साड़ी पहन के जा रही हूँ गाँव में मंदिर कन्याकुमारी में। फाइनली मैं मंदिर पहुंच गई हूं और सामने जो मंदिर दिखाई दे रहा है यह है भगवती माता का टेंपल, जो है कन्याकुमारी बीच के बिल्कुल पास में। और फिर जाते जाते मैंने अपनी एक वीडियो बनवा ली और मैंने साड़ी पहनी थी और मैं पहनना ही चाहती थी कब से हर ट्रिप पे, बट फाइनली मुहूर्त निकल आया। तो मंदिर सामने है और हम अंदर जाएंगे, फोटोग्राफी वीडियोग्राफी अलाउ नहीं है। उसके बाद मैंने फ़ोटो क्लिक कराई। तो मंदिर में जब आप जाओगे तो नाम और गोत्र पूछकर वो आपकी पूजा करते हैं, जो पंडित लोग हैं। और मेल्स का क्या है कि उन्हें शर्ट टी शर्ट अपना अपर वेयर उतार के मंदिर में जाके दर्शन करना होता है, तो ये चीज़ आप याद रखना जब भी अगर आप दर्शन करने जाते हो। और काफ़ी पीसफुल है आपको देख के। सो गाइस, फाइनली वी आर एट सनसेट पॉइंट। तो मंदिर से दर्शन करने के बाद अब मैं आ गई हूँ बीच साइड पर सनसेट देखने। कन्याकुमारी है, सनसेट और सनराइज ना देखा तो फ़ायदा ही क्या। तो फिर अभी मैं यहाँ पर आ गई हूँ और आगे बस जा रही हूँ। फोन भी भाग रहा है पता है हाथ में से, इतनी ज़्यादा हवा चल रही है। और सामने जो स्टैचू आपको दिख रहा है वो है त्रिवल्लू स्टैचू, और उसके साइड में है विवेकानंदा रॉक मेमोरियल, जिसका व्लॉग ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिया है, तो अगर आपने नहीं देखा तो जाके देख लो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फिर से अटैच कर दूंगी। और काफ़ी मज़े आएंगे आपको यहाँ पर, इतनी ज़्यादा एयर है, मतलब हवा इतनी तेज़ है ना, मतलब बहुत मज़े आएंगे। तो ये वेव्स देखकर मुझे तो काफ़ी मज़ा आ रहा है, बहुत पीसफुल है मेरे लिए। आप जब भी आओगे यहाँ पर ज़रूर आना, और क्योंकि आओगे ही, अगर घूमने आओगे तो यहाँ नहीं आओगे तो और कहाँ जाओगे। फिर फाइनली सनसेट हो रहा है और उन्होंने बैठ के कुछ खाया, बिकॉज भूख भी लग रही थी। चाट वगैरह वहाँ पर बहुत मिल रही थी, हवा इतनी ज़्यादा तेज़ थी ना, कपड़े इतने उड़ रहे थे, बाल वगैरह सब इधर से उधर उड़ रहे हैं। और इस वीडियो में तो बस मेरी साड़ी हवा की वजह से इतनी उड़ रही है, मैं क्या ही बताऊँ, लेकिन बहुत मज़े आ रहे हैं सीरियसली। फिर अब मैं हूँ मार्केट में, क्योंकि कुछ कुछ शॉपिंग करनी है घर लेके जाने के लिए, और बस एक्सप्लोर कर रही हूँ यहाँ से वहाँ। और अब मैं जा रही हूँ गजरा ख़रीदने। तो मैंने एक गजरा ख़रीदा और इसकी रील मैंने डाली अपने इंस्टा पे, काफ़ी वायरल हो रही है, जाके एक बार चेकआउट करना गाइस। और मैंने इसकी शॉर्ट्स यूट्यूब पे भी डाली है, क्योंकि मुझे काफ़ी लंबे टाइम से था कि मैं एक बार अपने लिए गजरा ख़रीदूँ, और फाइनली मैंने यहाँ किया, साड़ी पहनी और गजरा लगाया, और इतना सिंप्लिसिटी के साथ, इतना ऑथेंटिक लुक था, एस्थेटिक वाइब्स आ रही थी। और मार्केट इतनी अच्छी है ना, अगर आपको कुछ भी लेना है तो आप जाओ। अब मुझे पापा के लिए कुछ लेना था तो मैं गई ये शर्ट लेने के लिए, जो अंकल ने मुझे दी, हैंड रिटन बिल, मतलब काफ़ी अच्छा था। और इस शॉप से मैंने लिया बैग। और फाइनली अब भूख लग रही है तो मैं खाने के लिए गई, और फिर मैंने पी मैंगो लस्सी,
काफ़ी टेस्टी थी। ये कुछ फोटोज़ हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड स्टे ट्यून्ड।